कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम यहाँ पे कंटूर इंटीग्रेशन को समझने वाले हैं। कंटूर इंटीग्रेशन के अंदर मैं आपको ये सात एग्जांपल यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। और कंटूर इंटीग्रेशन क्या होती है, रेजिड्यू थ्योरम पर निर्भर करती है। तो रेजिड्यू थ्योरम की मदद से हम कंटूर इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर रेजिड्यू थ्योरम को बता देता हूँ मैं एक बार आपको। तो ये होती है कॉची रेजिड्यू थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यानी कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे एक कंटूर पे सी पर। उस तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास इस तरह से आएगा कि 2π i, और यहाँ पे उसके अंदर जितने भी सिंगुलर पॉइंट होंगे उन सिंगुलर पॉइंट का जो रेजिड्यू होगा उनका सम करेंगे तो हमें उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से तो हम करते हैं रेजिड्यू थ्योरम। ये तो होती है रेजिड्यू थ्योरम, इसकी मदद से हम इंटीग्रेशन भी सोल्व करेंगे। तो कंटूर इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स का नहीं होकर रियल का होगा। रियल एनालिसिस की जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वो कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल तो ये है और एक एग्जांपल ये है जो कि मैं पहला एग्जांपल आप पे आपको सोल्व करवाऊँगा। तो इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो ये रियल का है। यहाँ पर कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, यहाँ पर ये सब रियल में लिखा हुआ है। यहाँ पर रियल एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है। ये जो फर्स्ट एग्जांपल इधर वाला ये है, यहाँ पे क्या है फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर तो हम डायरेक्ट कंटूर इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम डायरेक्ट रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स के फंक्शन में, उसके बाद हम क्या करेंगे रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अभी हम इसके बारे में आगे समझने वाले हैं कि कंटूर इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ, और फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पहला एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स का ये फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सिंगुलर पॉइंट चाहिए, तभी हम रेजिड्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रेजिड्यू की ज़रूरत है और रेजिड्यू के लिए हमें चाहिए सिंगुलर पॉइंट। तो ये Z1 Z2 इस तरह से जो डेफिनेशन हम दिए हुए हैं ये सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर पॉइंट हमें ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट का जो वीडियो है वो मैंने आपको पहले बनाकर दे दिया है, तो वहाँ से आपने सिंगुलरिटी अच्छे से समझ ली होगी। तो हम यहाँ पर सीधे सिंगुलर पॉइंट यहाँ पर पता करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये क्या है, Z2 है प्लस 4 का मतलब है यहाँ पे 2। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2। अब यहाँ पर क्या है कि ये थ्योरम हमने लगाई है a + b a - b इक्वल टू a² - b² ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला से हमने इसका प्रसार किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस नहीं है, प्लस को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया आइटा कर दिया। i² का मान होता है -1, तो इसकी मदद से हमने यहाँ पे इस तरह से किया। तो यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड कर दिया इस तरह से, या आप डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हो गुणनखंड के मेथड से। तो यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड कर दिया, आप श्रीधर आचार्य विधि से भी इसका गुणनखंड कर सकते हो। तो यहाँ पर गुणनखंड कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे एक फंक्शन तो ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आ गया, और इनकी पावर 2 है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसमें केवल जेड के पद हो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक, लोगारिथम ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो हमारे पास सीधा ही पोल मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमें पोल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब है कि ऑर्डर 2 का पोल मिलेगा हमें। तो यहाँ पर एक पोल तो यहाँ से मिलेगा, एक पोल यहाँ से मिलेगा, वो कैसे आता है, तो हम क्या करते हैं इसको 0 के बराबर में लगा देते हैं। तो जैसे 0 के बराबर में करेंगे तो जेड का मान हमारे पास क्या आएगा, -2i और +2i आएगा। तो यहाँ पे +2i ये भी इसका पोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पावर 2 है इस वाले फैक्टर में, और माइनस के लिए क्या होगा कि ये जो वाला फैक्टर है इसकी भी पावर 2 है। तो दोनों यहाँ पे ऑर्डर 2 के पोल है यहाँ पर। अब ऑर्डर 2 के पोल है, तो इसके अंदर ऑर्डर 2 के लिए हमें क्या करना है, रेजिड्यू ज्ञात करना है। तो रेजिड्यू के लिए सबसे पहले तो हमें रेजिड्यू किन का ज्ञात करना है, जो सिंगुलर पॉइंट कर्व के अंदर हो, यानी कि यहाँ पर हमने कंटूर ले रखा है, ये जो कंटूर है यहाँ पे कंटूर का हमें यहाँ पे दिया हुआ कि ये कंटूर इस तरह का एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा सिंगुलर पॉइंट होगा। उसके बाहर होगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट आ गए, 2i और -2i, इन दोनों को हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा पॉइंट
इस सर्किल के अंदर है, यानी कि ये सर्किल मैंने यहाँ पे बना रखा, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो यहाँ से पता चलता है, जेड माइनस, यहाँ पे माइनस के अंदर जो भी फंक्शन जो भी पॉइंट होता है वो उसका सेंटर होता है, तो यहाँ पे आइटा लिखा हुआ है तो आइटा इसका सेंटर है, तो आइटा जीरो हो जाएगा यहाँ पे, जीरो आइटा, ये जो पॉइंट है ये इसको ओ पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया इसका सेंटर। तो इस सेंटर से हम यहाँ पे ये जो सर्किल है यहाँ पे रेडियस दी हुई है हमारे पास यहाँ पे टू, तो टू टू रेडियस का जो सर्किल है यहाँ पर, इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो सब पॉइंट जहाँ पर ये फंक्शन क्या है विश्लेषित नहीं है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो पॉइंट है, टू आइटा और माइनस टू आइटा, तो इन दोनों पॉइंट के अंदर से जो भी पॉइंट इसके अंदर होगा, इस सर्किल के अंदर होगा, उस पॉइंट के लिए रेजिड्यू ज्ञात करेंगे, इसके बाहर वाले के लिए हम ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो टू आइटा है और इसकी रेडियस हमारे पास यहाँ पर टू रेडियस है, तो यानी कि यहाँ से हम दूरी लेंगे, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे टू आइटा पॉइंट है, तो टू आइटा पॉइंट की यदि हम इस पॉइंट से दूरी लेंगे तो वो क्या आएगी कि दो से कम आएगी, तो इसके अंदर होगा, और दो से ज़्यादा आएगी तो वो इसके बाहर होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एक पॉइंट को, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू टू आइटा के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, मोड करेंगे दोनों को माइनस करके। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हो गया यहाँ पे जीरो आइटा, तो इसको हमने माइनस कर दिया उस पॉइंट से, जेड से, जेड का मान हमने यहाँ पे टू आइटा लिया पॉइंट, तो टू आइटा माइनस आइटा, तो हमारे पास इसका जो मोड करेंगे तो वन आएगा, और वन क्या होगा, टू से छोटा है, टू से छोटा है इसका मतलब इसकी दूरी क्या है कि इस सर्किल के अंदर आ गए, तो इस सर्किल के अंदर है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो पोल है ये क्या है, इस सर्किल के अंदर है यहाँ पर। अब ये अंदर है तो ये कहाँ पे होगा, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये जो अक्ष होंगे, तो यहाँ पे देखो जीरो आइटा है, तो यहाँ पे जीरो आइटा है और हमें यहाँ पे चाहिए टू आइटा, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये जीरो पे है, अब यहाँ पर आइटा है और यहाँ पर हो जाएगा टू आइटा, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो टू आइटा, तो ये इस तरह से है यहाँ पर, तो ये पॉइंट लगभग इस तरह से यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको चेक करेंगे, अब ये तो अंदर आ गया, अब माइनस टू आइटा को भी चेक करना है कि ये कहाँ पर आएगा, तो जेड का मान अब हम माइनस का टू आइटा लेंगे, तो यहाँ पे हमने जेड का मान माइनस का टू आइटा ले लिया, फिर से हम दूरी वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जेड के स्थान पे टू आइटा पुट करेंगे, वो भी माइनस का टू आइटा, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस टू आइटा को हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे माइनस टू आइटा और माइनस आइटा तो हो जाएंगे माइनस थ्री आइटा, और इसका मोड करेंगे तो आएगा हमारे पास थ्री, और ये हो जाएगा टू से बड़ा, टू से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, सर्किल के बाहर है, और सर्किल के बाहर है तो हमें यहाँ पर रेजिड्यू ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेजिड्यू ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये सर्कल के बाहर है। अब ये बाहर कहाँ पर होगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है आइटा और यहाँ पर हमें चाहिए माइनस के टू आइटा, तो माइनस के टू आइटा होगा यहाँ पे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ यहाँ पे हो जाएगा ये इसके बाहर, ये लगभग यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आइटा है, यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस सर्किल के पिक्स ऊपर हो जाएगा माइनस का आइटा, और इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पे बाहर माइनस का टू आइटा, तो यहाँ पे ये बाहर होगा। ये इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ पे उपस्थित है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ पे दूरी निकाल कर चेक करना होता है कि ये अंदर है या बाहर। तो हमने यहाँ पे जो दोनों पॉइंट हमें यहाँ पे मिले थे, दो पोल हमें यहाँ पे मिले थे, टू आइटा और माइनस टू आइटा, इसके लिए हमने देख लिया कि कौन सा अंदर है और कौन सा बाहर है, तो जो अंदर वाला है उसके लिए रेजिड्यू ज्ञात करेंगे। तो रेजिड्यू ज्ञात करने का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, तो रेजिड्यू ज्ञात करने का जो सूत्र है वो यहाँ पे ये है, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर रेजिड्यू ज्ञात करने का सूत्र हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब ये जो सूत्र है यहाँ पे पोल ऑर्डर टू है, तो ऑर्डर टू का सूत्र हमने यहाँ पे लगाया है, तो ऑर्डर टू के सूत्र को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब रेजिड्यू कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमने पहले वीडियो बना दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड का मान रखना है, तो फंक्शन ऑफ जेड का मान हम ये नहीं रखेंगे, ये न रख करके हम ये रखेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने फैक्टर कर रखा है अलग अलग, और हमें लिमिट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू, यहाँ पर जब लिमिट टू पाई आइटा है, हम यहाँ पर टू, यहाँ पर जो लिमिट है वो टू आइटा है, टू आइटा हम जब अप्लाई करेंगे, टू आइटा हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखो टू आइटा जैसे पुट करेंगे ये इसको अपरिभाषित कर देगा, लेकिन यहाँ पे गुणा में क्या आ रहा है, जेड माइनस टू आइटा, तो ये इसको इससे कैंसिल कर देगा, इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वाला यह जो इसको यूज में नहीं लेना है, जो फैक्टर करके हमने लिखा उसको यूज में लेना है। तो इसका मान हम यहाँ पे फंक्शन का मान यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन का मान हमने यहाँ पे रख दिया, ये जो फंक्शन ऑफ जेड का मान था यहाँ पे रख दिया, तो हमें ये फंक्शन मिल चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जेड माइनस टू आइटा की पावर टू, ये वाला पद
और ये वाला पद एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास केवल ये बचेगा जेड प्लस टू आईटा की पावर टू। अब हमें इसका अवकलन करना है जेड के सापेक्ष, तो अवकलन करना तो आपको डायरेक्ट आता है, तो अवकलन कर दिया मैंने सीधे यहाँ पे। देखो यहाँ पे पावर टू है और ये डिवाइड में रखा है, यानी कि माइनस की पावर टू है यहाँ पे, तो माइनस टू यहाँ पे बाहर निकल गया और यहाँ पे एक पावर बढ़ गई। तो इस तरह से हमने इसका अवकलन कर दिया। अब अवकलन करने के बाद हमें क्या करना है, जेड का मान क्या पुट करना है यहाँ पे, टू आइटा। तो जैसे हम टू आइटा पुट करेंगे तो यहाँ पे टू आइटा और टू आइटा ये हो गया फोर आइटा और पावर में थ्री है, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन थर्टी टू आइटा। तो ये हमारे पास इसका रेजिड्यू आ चुका है यहाँ पर। अब रेजिड्यू आ चुका है तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या करना है, टू पाई आइटा और इसका रेजिड्यू है जितना भी उसका हम सम करना। तो यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट है हमारे पास रेजिड्यू ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट तो बाहर है तो इस पर रेजिड्यू ज्ञात नहीं करना है, तो रेजिड्यू केवल इस पर ज्ञात होगा। तो एक ही पॉइंट था और इसका रेजिड्यू हमें ये मिल चुका है, तो अब हम इसको टू पाई आइटा से गुणा करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई किया है और इसका इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या कर दिया, टू पाई आइटा और इसका रेजिड्यू हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस यहाँ पे रेजिड्यू का मान हम यहाँ से वन अपॉन बत्तीस आइटा यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, टू से ये बत्तीस कट के सोलह हो जाएगा, तो पाई अपॉन सोलह ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन था ये तो था कॉम्प्लेक्स का, इसलिए हमने इस तरह से इंटीग्रेशन कर लिया। अब ये जो एग्जांपल वन है यहाँ पर, ये एग्जांपल इसके लिए हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स के फंक्शन में। तो वो कैसे करते हैं, तो वो हम करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन से। अब कंटूर इंटीग्रेशन को समझाता हूँ मैं कि किस तरह से होता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटूर इंटीग्रेशन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, कि ये जो वास्तविक विश्लेषण होते हैं अनुप्रयुक्त गणित के अंदर होने वाले कुछ निश्चित प्रकार के समाकलन, यहाँ पे जितने भी समाकलन करेंगे वो निश्चित समाकलन होंगे, यानी कि उसकी लिमिट पहले से दी हुई होगी, बिना लिमिट वाले समाकलन यहाँ पे इस विधि से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनप्रॉपर इंटीग्रेशन। इनप्रॉपर इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जिनका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट होता है उनको बोलते हैं इनप्रॉपर इंटीग्रेशन। और जटिल जो इंटीग्रेशन होगा उसका समाकलन हम कैसे करेंगे, रेजिड्यू थ्योरम, जो भी हमने थ्योरम अप्लाई की थी एक एग्जांपल सोल्व करने के लिए, वो जो थ्योरम है उसको अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो वो जो सोल्व करने का जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, ये कंटूर इंटीग्रेशन बोलेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रूप के अंदर व्यक्त करना पड़ता है, जो हमारा जो फंक्शन होता है उसको हमें यहाँ पे जो वास्तविक समाकलन का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होगी हमारी, उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसकी कोई बात, इसकी ये डेफिनेशन कि ये एक प्रोसेस है, ये एक क्रिया है, उस क्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, कंटूर इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी। तो फर्स्ट टाइप होता है कुछ इस तरह का, ये टाइप वन है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई के अंदर होगा हमेशा, अगर इस तरह की लिमिट नहीं है तो वो लिमिट हमें बनानी पड़ेगी। और इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, यहाँ पे साइन और कोस के पद यहाँ पे होंगे हमारे पास, साइन और कोस के पद नहीं है तो हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, और साथ में डी थीटा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो डी थीटा के साथ इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन में किस तरह से बदलना है, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा, कोस थीटा का मान भी कॉम्प्लेक्स के पदों में आना चाहिए, यानी कि जेड के पदों में आना चाहिए, और डी थीटा का मान भी जेड के पदों में आना चाहिए, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स में बदलेगा और तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट, इस तरह से प्रतिस्थापन करेंगे कि जेड का मान हम क्या लेंगे, e की पावर आइटा थीटा। तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि ये जो लिखा है मैंने जेड इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा, तो यहाँ पे मोड जेड का मान क्या आया हमारे पास, एक, यानी कि r का मान यहाँ पे एक आया। तो जब हम यहाँ पे कंटूर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे जो रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वह एक कंटूर के लिए होगी, तो कंटूर का जो यहाँ पे रेडियस होगा वो वन होगा यहाँ पे, तो वन रेडियस का सर्कल लेंगे हम यहाँ पर। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके यहाँ पे गुणा के अंदर वन आ रखा है, इसके यहाँ पे गुणा में वन आ रखा है, तो वो वन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इकाई रेडियस का सर्कल लेंगे। तो अब इसको हम देखो, ई की पावर आइटा थीटा है, तो ई की पावर आइटा थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो जेड का मान हमारे पास इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे वन अपॉन जेड करना है हमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन अपॉन जेड किया तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया थीटा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स कर दिया तो यहाँ पे भी इनवर्स होगा, तो घात माइनस में आएगी। तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा आया, इस तरह से यहाँ पे माइनस में थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ,
तो लेकिन कोस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हटा दिया। साइन में माइनस थीटा होता तो उसको हम बाहर निकाल सकते इसलिए यहाँ पे माइनस का एटा थीटा हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पर ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों की मदद से हम कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आयटा साइन थीटा से आयटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कोस टू थीटा का मान हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जेड प्लस वन अपॉन जेड इक्वल टू टू कोस थीटा हो गया। तो यहाँ से टू से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें कोस थीटा का मान मिलेगा। इस तरह से ये मान हम यहाँ पे यूज में लेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करने पे आप देख सकते हो जेड माइनस वन अपॉन जेड हो जाएगा और इस साइड में देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टू आइटा साइन टीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टू आइटा से डिवाइड करेंगे तो साइन टीटा का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो साइन टीटा का मान हमें ये मिल चुका। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा चाहिए, उन दोनों का मान हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब चाहिए हमें डी थीटा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन वन है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो इक्वेशन वन है यहाँ पे यदि हम थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, जेड का अवकलन थीटा के सापेक्ष करें तो हमें इस तरह से मिलेगा। हमने यहाँ पे अवकलन किया तो यहाँ पे हमें आइटा e की पावर आइटा थीटा मिल गया और e की पावर आइटा थीटा का मान यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या मान रखा है, जेड मान रखा है। तो जेड रख दिया, e की पावर आइटा थीटा का मान हमने क्या रख दिया, जेड रख दिया। तो डी जेड अपॉन डी थीटा इसका मान हमारे पास क्या आ गया, आइटा थीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डी थीटा का मान हमें क्या मिला, डी जेड अपॉन आइटा जेड, यह हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे डी थीटा का मान भी मिल चुका। तो अब हम ये तीनों मान हम यूज में लेंगे और इन तीनों की मदद से हमारा ये जो क्वेश्चन है उसको हम चेंज कर देंगे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज होकर इस तरह से हो जाएगा कि इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई और यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से, फंक्शन ऑफ जेड के अंदर, ये जेड के अंदर आ गया और यहाँ पे डी थीटा था तो डी थीटा का मान हमने यहाँ पे लिख दिया डी जेड अपॉन आइटा जेड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप आइटा जेड नीचे लिखो, ये इसको आप इस फंक्शन के अंदर भी इंक्लूड करके या केवल डी जेड लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, एक कंटूर आएगा। यहाँ पे तो हमें लिमिट लगा रखी है जीरो से टू पाई, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, कंटूर लगाया और ये कंटूर क्या होगा, ये होगा इकाई सर्किल का रेडियस, ये इकाई रेडियस का क्या होगा हमारे पास, सर्किल होगा यहाँ पे, यानी कि इकाई त्रिज्या का वर्त हम यहाँ पे कंटूर के रूप में यहाँ पे लेंगे। तो इसकी मदद से हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमने क्या माना है कि जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा माना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कि यहाँ पर हमें कोस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा का मान हमारे पास है, लेकिन हमारे पास मान लो कि कोस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा, यहाँ पे जरूर नहीं थ्री हो, टू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फोर आ सकता है, इस तरह से आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस तरह से मान रखा है, जहाँ पे थीटा का मान जिस तरह से रखेंगे कोस और साइन के अंदर उसी तरह से मान चेंज हो जाएगा थीटा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें थ्री थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर थ्री करेंगे, तो पावर थ्री करेंगे तो यहाँ पे जेड की पावर थ्री हो जाएगी और यहाँ पे ई की पावर में आयटा थ्री थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोस थ्री थीटा प्लस आयटा साइन थ्री थीटा, यानी कि जेड की पावर थ्री का मान हमारे पास इस तरह से मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जेड की पावर थ्री का मान हम इस तरह से लिख सकते हैं कोस थ्री टीटा प्लस आयटा साइन थ्री टीटा, यानी कि जेड की पावर जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जेड की पावर जितनी होगी कोस के अंदर उतना ही आएगा और साइन के अंदर भी उतना ही कोण आएगा, यानी कि यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे थ्री टीटा और यहाँ पे भी थ्री टीटा, अगर यहाँ पे टू कर दिया जाए तो यहाँ पे टू थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब हमें कोस थ्री टीटा चाहिए तो कोस थ्री टीटा क्या है, रियल पार्ट है, तो हम क्या करेंगे जेड की पावर थ्री का क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रियल पार्ट ऑफ जेड की पावर थ्री। अगर हमें साइन थीटा का मान चाहिए, यानी कि साइन थ्री थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट है ये, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर थ्री, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि साइन की पावर टू थीटा आ गया हमारे पास क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे तो पावर में टू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ये सूत्र अप्लाई करेंगे, साइन टू थीटा इसका मान क्या होता है, वन माइनस कोस की पावर, वन माइनस कोस टू थीटा होता है, इसी तरह से कोस के लिए भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टू थीटा चाहिए, तो टू थीटा के लिए देखो क्या होगा कि रियल पार्ट हो जाएगा हमारे पास जेड की पावर टू का,
यदि साइन टू थीटा चाहिए होता तो हम क्या करते, इमेजिनरी पार्ट कर देते। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोस की पावर टू थीटा के लिए भी फॉर्मूला होता है, तो वो भी हम यूज में ले सकते हैं यदि हमारे पास कोस की पावर टू थीटा हो तो। अगर हमारे पास जो लिमिट है वो इस तरह से हो, यहाँ पे तो आप देख सकते हो जीरो से टू पाई लिमिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे पाई के स्थान पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है इसलिए ए लिख रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ए के स्थान पे यदि पाई हो तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ए के स्थान पे पाई हो तो यहाँ पर क्या है, जीरो से टू पाई लिमिट है, उसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हाफ कर दें, यहाँ पे देख सकते हो टू ए के बजाय हमने यहाँ पे ए कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम हो जाएगा, यहाँ पे दो बार गुणा में आ जाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब इस तरह से हो, हमारे जो फंक्शन होगा उसके अंदर टू ए माइनस एक्स कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, टू ए माइनस एक्स, तो फंक्शन का मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यदि ए के स्थान पे पाई हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स या थीटा, अगर थीटा के पदों में तो थीटा, एक्स के पदों में तो एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है, निश्चित समाकलन के और भी कई फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लिखा, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इन सबको यूज में लेकर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे यूज में आएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले से ये सब बता दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर वन को करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से, एग्जाम्पल नंबर वन को मैं कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे कि एग्जाम्पल में सॉल्व करते हैं वैसे मैं यहाँ पे सब कुछ लिख कर बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम आई के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, तो हमने इसको इस तरह से मान लिया कि आई इक्वल टू हमारे पास ये है। अब हमें आई को इवेलुएट करना है यहाँ पे कि आई का मान हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हमें साइन थीटा और डी थीटा का मान चाहिए। तो अभी मैंने बताया था कि हमें क्या मानना है, जेड का मान ई की पावर आईटा थीटा मानना। तो जब हम ये मानते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा का मान ये मिलता है और डी थीटा का मान ये मिलता है। ये कैसे आया, अभी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हमने ये सब किया है। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा का मान ये वाला जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पे पुट करना है, यानी कि इसको मैंने आगे सोल्व कर दिया, लघुतम ले लिया। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हमें यहाँ पे साइन थीटा का मान रखना है और डी थीटा का मान हमें डी थीटा के स्थान पर रखना है। तो ये मान हमें रखेंगे तो हमें ये इस तरह से मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे जीरो से टू पाई होता है, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन को एक कंटूर पे कर देंगे सी पर। ये कंटूर क्या है, इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया है, यहाँ पर डी थीटा का मान भी हमने रख दिया, साइन थीटा का मान भी हमने रख दिया। अब ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमें इस तरह से मिलेगा यहाँ पे डी जेड अपॉन, ये नीचे इस तरह का एक इक्वेशन, ये समीकरण हमें मिल चुकी है, यहाँ पर पोलोनोमियल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेड के अंदर यहाँ पे टू पावर है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे इसके सिंगुलर पॉइंट ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताएगा कि जब भी फंक्शन केवल जेड के पदों में होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के पद, लघु गुणक, हाइपरबोलिक, इस तरह के कुछ और फंक्शन नहीं हो, तो हमें हमेशा पोल मिलता है। तो यहाँ पे हमें पोल मिलेंगे, तो पोल मिलेंगे तो पोल कैसे ज्ञात करेंगे, तो नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर में लगाएंगे। तो यानी कि इसको पूरे को हम जीरो के बराबर में लगाएंगे, उससे हमें जो भी जेड के मान मिलेंगे वो हमें पोल मिलेंगे यहाँ पर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया, हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन इस तरह से चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब इसके पोल आ गए हमारे पास यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन इस तरह से आ गई क्योंकि इसको मैंने इस तरह से जेड के बराबर में कर दिया। तो जेड के बराबर में जैसे हमने क्या, ये जो वाला अंदर वाला जो फंक्शन था इसको तो हमने क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ जेड। अब इसको हमने इस तरह से किया, तो यहाँ पर अब हम श्रीधर आचार्य विधि लगाएंगे या गुणनखंड, किसी भी तरह से आप गुणनखंड कर सकते हो, गुणनखंड करके हमें जेड का मान ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे श्रीधर आचार्य विधि लगा दी, और श्रीधर आचार्य विधि से हमारे पास यहाँ पे इसके जो मूल है वो इस तरह से हमें मिल चुके हैं, माइनस आइटा के आइटा अपॉन फाइव और माइनस फाइव आइटा। तो ये जो मूल है ये इसके क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे। तो ये पोल क्या होंगे, सिंपल पोल होंगे। सिंपल पोल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जेड की पावर अधिकतम कितनी है, टू। तो यहाँ पे दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर के अंदर ये आएगा, एक फैक्टर के अंदर ये आएगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों अलग अलग मान है, इनकी पावर वन है, यानी कि एक एक बार आ रहे हैं। ये वैल्यू भी एक ही बार आई है और ये वैल्यू भी हमारे पास एक ही बार आई है। इसका मतलब एक बार आई है तो ये क्या है, ये पोल है, सिंपल पोल। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि ये क्या है, हमारे पास सिंपल पोल है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा पोल सर्किल के अंदर होगा या कौन सा पोल सर्किल के बाहर होगा।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसके लिए हम क्या करेंगे, दूरी चेक करेंगे, यानी कि रेडियस की मदद से हम ये ज्ञात करेंगे, यानी कि एक से कम होगा तो वो अंदर होगा, एक से बाहर होगा तो वो बाहर होगा, एक से ज़्यादा होगा तो बाहर होगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चेक करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट को हमने यहाँ पे चेक किया जेड माइनस। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से क्यों किया, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको मैंने डायरेक्ट इस तरह से किया, यानी कि जेड माइनस कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दिया। तो वो जो सर्किल यहाँ पे जो कंटूर हमारे पास यहाँ पे ये जो सी कंटूर है उसका जो सेंटर है वो जीरो जीरो है, यहाँ पे जीरो जीरो। तो यहाँ पे किसी का भी दूरी हमें यहाँ से ज्ञात करना है जीरो जीरो से, तो हम सीधा हम क्या करेंगे उसका मोड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मोड किया हमने, तो मोड करेंगे इसका तो आप जानते हो 1/5 आएगा, और 1/5 वन से छोटा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो है पोल ये कंटूर के अंदर है, कंटूर सी के अंदर है ये। तो ये तो हो गया अंदर वाला पॉइंट, यहाँ पे हमने ये नोट कर लिया कि ये पॉइंट है जो अंदर होगा। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला जो पोल है उसके अंदर हम करेंगे मोड, तो इसका मोड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और आप जानते हो कि 5 का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ये 5 तो 1 से बड़ा है तो ये बाहर निकल गया। तो ये जो है ये जो पॉइंट है सेकेंड वाला पॉइंट कि -5 आइटा, ये इस पोल, ये जो पोल है इस कंटूर के बाहर है। तो बाहर वाले का तो रेजिड्यू ज्ञात नहीं होगा, केवल अंदर वाले का रेजिड्यू ज्ञात हो गया, यानी कि इसका रेजिड्यू हमें ज्ञात करना है। तो रेजिड्यू ज्ञात कर दिया अब हम यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे रेजिड्यू ज्ञात करना -1/5 का, केवल इसी का रेजिड्यू हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। और ये सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। ये रेजिड्यू ज्ञात करना हमने पहले ही एक वीडियो में समझ लिया, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड का मान हमें यहाँ पे रखना है, तो फंक्शन ऑफ जेड का मान हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट आ चुके हैं तो हमें यहाँ पे इसका गुणनखंड हमें डायरेक्ट पता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यदि आपने नोट किया हो तो यहाँ पे दो पोल जो दो वैल्यू आई है किस तरह से आई है, जेड इक्वल टू -i/5 एक वैल्यू आई है। तो इसका एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस i/5 एक फैक्टर ये होगा। उसी तरह से दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, -5 ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे जेड प्लस का 5 बन जाएगा। ये इसके दो फैक्टर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसके बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जेड की पावर 2 है और इसका जो गुणांक है वो भी इसके साथ में आता है, ये इसके बराबर होता है इस तरह से। अब ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि जब हम इसको जीरो के बराबर लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने जीरो के बराबर लग दिया, तो यहाँ से यदि हम 5 को, यदि 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो भी इक्वेशन सेम बनी रहेगी। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है जेड की वो भी सेम आएगी इस इक्वेशन के लिए जो वर्क कर रहा है। यहाँ से यदि हम 5 को कॉमन ले लें फिर भी सेम आएगी जेड की वैल्यू, तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि वो इक्वेशन चेंज हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जेड के पास यहाँ पे 5 गुणा में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में 5 भी आएगा, ये होगा इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि केवल इतना सा ही फैक्टर बनेगा तो ये ऐसा नहीं है, अगर आप इसका गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे 5 भी गुणा में आएगा, तो यहाँ पे 5 भी आ गया। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट फैक्टर और ये वाला फैक्टर तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास केवल इतना सा बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जेड का मान क्या करना, -i/5 हमें पुट करना है। तो यहाँ पे जेड का मान -i/5 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/24 i। तो यहाँ पे हमें रेजिड्यू मिल चुका, तो हम कंटूर इंटीग्रेशन की मदद से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो कंटूर इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। कंटूर इंटीग्रेशन की मदद से तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स के फंक्शन में बदल दिया। अब रेजिड्यू हमने ज्ञात कर लिया, तो रेजिड्यू ज्ञात कर लिया तो रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो आई का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आई है वो चेंज हो गया इस तरह से, फंक्शन ऑफ जेड। यहाँ पे इसको तो मैंने फंक्शन मान लिया, आप ठीक क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जेड के अंदर चेंज हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन है वो किस तरह से हो गया यहाँ पर, कि आइटा फंक्शन ऑफ जेड डी जेड। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 2π, यहाँ पे 2 है, 2π आइटा रेजिड्यू। तो रेजिड्यू का मान हमने यहाँ से लिख दिया 1/24 i। तो ये हो गया रेजिड्यू का मान, और इसका मान ये हो गया इस तरह से 2π i। तो अब यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, आइटा से आइटा कट जाएगा, तो यहाँ पे π/12 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का मान। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करके कंट्रोल इंटीग्रेशन को अप्लाई कर फंक्शन को कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, और फिर रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करके इस तरह से हम इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ जेड का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है,
और फंक्शन ऑफ जेड हमारे पास केवल इतना सा पद है, तो इसके बाहर हमारे पास यहाँ पे टू गुणा में, तो ये टू गुणा में, तो ये टू यहाँ पे भी गुणा में आएगा। मैंने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, ये जो टू यहाँ पे गुणा में है तो ये टू आगे गुणा होगा, यहाँ पे टू पाई तो पहले से आता है और एक टू और बाकी आगे गुणा होगा, तो यहाँ पे टू गुणा में आएगा एक और, जैसे यहाँ पे टू है तो यहाँ पे एक टू गुणा के अंदर भी आएगा इसके साथ में, तो ये टू इसके साथ भी गुणा में, तो यहाँ पे भी टू गुणा में आएगा, टू गुणा में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय सिक्स आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी क्योंकि ये टू यहाँ पे कॉमन और आ रखा है यहाँ पर, तो ये जो टू है इसके साथ आगे गुणा में और रखा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे आप इसको सही कर सकते हो। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर वन। अब एग्जाम्पल नंबर टू को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो से टू पाई इंटीग्रेशन करना है हमें, और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ, ये है हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने का तरीका सेम है, यहाँ पे साइन थीटा का मान रखना है जैसे कि अभी हमने पहले सोल्व किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा हम यहाँ पे मानेंगे, और फिर यहाँ से हम साइन थीटा का मान रखेंगे, डी थीटा का मान रखेंगे, और इसका मान रखने के बाद हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। फंक्शन को चेंज करेंगे हम कॉम्प्लेक्स के फंक्शन में, तो वो फंक्शन कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। इस तरह से जो फंक्शन आएगा उसके हम पोल याद करेंगे, तो हमें सिंपल पोल मिलेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और उसके सिंपल पोल कुछ इस तरह से आएंगे। अब ये जो सिंपल पोल है, कौन इसके अंदर आएगा कौन इसके बाहर आएगा, ये ज्ञात करने में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे पी के पदों में आ रखा पूरा मान। तो यहाँ पे हमें पी का मान दे रखा है कि एक से छोटा होगा मोड पी, तो यहाँ पे हम इसका मोड करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले आइटा पी का मोड चेक करेंगे, तो इसका मान आएगा हमारे पास मोड पी, और मोड पी का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक से छोटा है, एक से छोटा है, तो ये जो पॉइंट है, ये पोल है सिंपल पोल, ये तो आएगा अंदर, ये तो आएगा अंदर, और ये जो वन अपॉन, ये जो पॉइंट है आइटा अपॉन पी, इसको चेक करेंगे हम आइटा अपॉन पी, इसका जो मोड करेंगे तो हमारे पास इसका मोड आएगा वन अपॉन पी का मोड, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वन अपॉन पी का मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मान हमारे पास कुछ इस तरह से आ रखा है, क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि ये एक से छोटा है। अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो वन अपॉन पी का मोड ये बड़ा हो जाएगा वन से, क्योंकि इन्वर्स करते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है बीच वाला। तो यहाँ पे इसका मान तो क्या गया, वन से ज़्यादा गया, तो यानी कि इसका मान क्या है, वन से ज़्यादा है, तो ये वन से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा बाहर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ये आउटसाइड पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है इस पर रेजिडू ज्ञात नहीं होगा, इस पर रेजिडू ज्ञात नहीं होगा, केवल इस पर रेजिडू ज्ञात होगा, यानी कि हमें आर आइटा पी यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। इसको ज्ञात करोगे आप, ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन की मदद से, इसको हमने चेंज कर दिया फंक्शन ऑफ जेड में। अब फिर हम यहाँ पे रेजिडू ज्ञात करेंगे सिंपल पोल का फॉर्मूला लगा के, फिर रेजिडू ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर रेजिडू थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो रेजिडू थ्योरम को अप्लाई करने के बाद इसका आंसर हमें ये मिलेगा इस तरह से, ये मिलेगा इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर दो, ये एग्जाम्पल नंबर दो आपको सोल्व करना है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती थी वो मैंने आपको बता दी थी कि कौन सा पॉइंट अंदर है कौन सा पॉइंट बाहर है, यदि ये ज्ञात करने में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसकी मदद लेकर पॉइंट को पता कर सकते हो कि कौन सा अंदर है और कौन सा बाहर है, और इसको सोल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर टू को आपको सोल्व करना है ताकि आपको पता चले कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर थ्री बता देता हूँ मैं आपको। तो ये एग्जाम्पल नंबर थ्री है, एग्जाम्पल नंबर थ्री के अंदर क्या चेंज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कॉस थीटा, देखो मानना तो सेम है, जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा मानना है, और डी थीटा का मान हमें ये मिलेगा और कॉस थीटा का मान हमें ये मिलेगा। तो ये मान कैसे आया था, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किस तरह से हम डी थीटा कॉस थीटा साइन थीटा हम ज्ञात करते हैं। वहाँ पर मैंने कॉस थ्री थीटा के बारे में भी बताया था, तो ये कैसे आएगा, तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने मान रखा, तो इसका क्यूब करेंगे दोनों तरफ, क्यूब करेंगे तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे थ्री टीटा है तो कोस थ्री टीटा प्लस आइटा साइन थ्री टीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जेड की पावर थ्री का मान इस तरह से हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि जेड की पावर थ्री किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर, और ये आ रहा है इसके बराबर, तो जेड की पावर थ्री हो गई इसके बराबर। अब हमें यहाँ पे कोस थ्री टीटा का मान चाहिए, तो ये क्या है, ये रहा कोस थ्री टीटा, ये क्या है रियल पार्ट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड की पावर थ्री कोस थ्री टीटा का मान हम इस तरह से यहाँ पे यूज में लेंगे। अब ये तो हम यहाँ पे यूज में ले लेंगे, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये मान तो हमारे पास ये आ गया है यहाँ पर, लेकिन आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कोस थीटा का मान किस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि मैं आपको एक
बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि जेड इक्वल टू 3 + 4 आइटा हमारे पास यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे केवल रियल पार्ट लेना चाहूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ रियल पार्ट ऑफ जेड, ये लिखता हूँ मैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ रियल पार्ट ऑफ जेड, ये हमने एक साथ लिख दिया और इसको गुणा कर दिया हमने 3 से, तो इसका मान हमारे पास क्या आएगा, इसका मान हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आपको पता है रियल पार्ट तो कितना है 3, तो 3 × 3 हमारे पास 9 आएगा, ये तो हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन हमें इसको सोल्व करना है हमें यहाँ पे, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू 3, तो यहाँ पे 3 जेड लिखेंगे हम, इसको हम आगे इस तरह से लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 3 जेड, तब भी हमारे पास 9 ही आएगा, यानी कि रियल पार्ट तो बाहर निकल गया और जो जेड था वो आगे जाकर इसके साथ गुणा हो गया, जैसे नॉर्मल हमें गुणा करते हैं, तो यहाँ पे आप 3 जेड करोगे तो यहाँ पे आप 3 जेड करके देख सकते हो, 3 जेड का मान हमारे पास क्या आएगा, 9 + 12 आइटा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसका रियल पार्ट देखोगे तो कितना आएगा, 9। अब यहाँ पे आपने 3 × 3 किया यहाँ पर, क्योंकि ये तो इसका मान डायरेक्ट 3 है, इसको 3 से गुणा किया तो भी 9 आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 3 जेड करके रियल पार्ट देगा तो अभी कितना आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड की पावर 3 लिख दिया हमने, कॉस थीटा का मान तो जेड की पावर 3 लिख दिया, और डी थीटा का मान हमने यहाँ से लिख दिया डी डी जेड अपॉन आयटा जेड, तो ये मान हमने यहाँ पे लिख दिया, और कॉस थीटा का मान हमने यहाँ से लिख दिया, ये कॉस थीटा का मान है, तो कॉस थीटा का मान हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये जो मान लिखा है इसके बाहर हमने लिखा है रियल पार्ट ऑफ इसका, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो भी मिलेगा उसका रियल पार्ट हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर अब हमने इसको आगे सॉल्व किया, इस फंक्शन को आगे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ये मिला, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर अब हमारे पास ये आ गया, और -1/i, ये कॉमन आ गया, जो कॉमन आ जाता है उसको बाहर लेना, हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम कंट्रोल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन ऑफ जेड तो हमारे पास इस तरह से बच गया, जो भी कॉमन आ जाएगा हम उसको बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पे ये यह हमारे पास कॉमन आ रखा था तो हमने इसको बाहर कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो रेजिड्यू थ्योरम की मदद से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी मान आएगा उसको हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करने के बाद हमें जो भी मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे a + i b, इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आइटा भी साथ में आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है यहाँ पर, है ना, कोई भी पद 0 हो सकता है a 0 यानी कि b 0, कॉम्प्लेक्स या रियल किसी भी तरह का आ सकता है यहाँ से, इससे जो भी मान आएगा उससे हमें क्या लेना है, केवल रियल पार्ट लेना, यानी कि आइटा वाला पार्ट छोड़ना है और इसको लेना है, यानी कि ए पार्ट को यहाँ से उठाना है, यानी कि इसका मान जो भी आएगा उसको उठा लेना है यहाँ पर, तो रियल पार्ट को हमें यहाँ पर लेना है, तो रियल पार्ट उसके अंदर आएगा π/12 है, और वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आपको स्वयं से करना है, यानी कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कर सोल्व करवाया है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आपको सोल्व करना है। अब मैं आपके लिए क्यों दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको भी आना चाहिए, मुझे तो आता है मैं तो सोल्व कर लूँगा, लेकिन आपको आता है या नहीं आता ये ज़रूरी है, तो आपको खुद से सोल्व करके देखना, नहीं आए तो आप मुझे बताना, मैं सोल्व करके बताऊँगा आपको। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको मैं सोल्व करके दिखाऊँगा आपको, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 बताया था मैंने पूरा कंप्लीट उसको सोल्व किया था, लेकिन एग्जाम्पल नंबर को मैं कंप्लीट तो सोल्व नहीं करूँगा लेकिन सोल्व पूरा करूँगा, मैं इसको शॉर्ट में सोल्व करूँगा, यानी कि कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बताया था कि साइन की पावर 2 है, तो साइन की पावर 2 का मान तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरह से चेंज कर देंगे, तो अब यहाँ पर कॉस की पावर 2 थीटा है, यहाँ पे कॉस 2 थीटा है हमारे पास, 1 - cos 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का मान हम क्या करेंगे, इस तरह से यूज में लेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड की पावर 2, तो अब ये कहाँ से आया ये भी मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि ये किस तरह से आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन के पावर 2 थीटा, सॉरी साइन के पावर थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये मान पुट करेंगे और उसके बाद हमें फंक्शन ऑफ जेड कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो तो अलग बाहर निकल जाएगा, कॉमन आने के बाद जो फंक्शन बचेगा वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फंक्शन ऑफ जेड हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, फंक्शन ऑफ जेड हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। मैं एक बार इसका पूरा जो वैल्यू है मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पर,
तो इसको जब हम यहाँ पे साइन की पावर 2 थीटा, साइन की पावर 2 है यानी कि इसका और कोस थीटा और डी थीटा, इसका मान हम रखेंगे, ये कहाँ से कैसे रखेंगे, तो वो मैंने एग्जांपल नंबर 1 और उससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से कोस थीटा और साइन थीटा इनके मान हम ज्ञात करते हैं, तो वो मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखने के बाद हमारे पास क्या होगा कि 1 अपॉन आइटा तो कॉमन आएगा इसके अंदर, और यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम कोस 2 थीटा हम यहाँ पे रखेंगे तो कोस 2 थीटा के बजाय हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जेड की पावर 2 रखेंगे, और जेड की पावर 2 हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें बार क्या लगाना पड़ेगा, रियल पार्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बार क्या लिख दिया, हमने रियल पार्ट ऑफ लिख दिया, और यहाँ पे 1 अपॉन आइटा कॉमन आ गया, और यहाँ पे जो लिखा हुआ था उस फंक्शन को मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड, यहाँ पे जो भी वैल्यू आई थी उसको हमने क्या लिख दिया, फंक्शन ऑफ जेड। अब ये जो फंक्शन ऑफ जेड मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार आप स्वयं से करके देखना इसको, आपको समझ में आ जाएगा ये कि किस तरह से ये इतनी वैल्यू आई है। मैं यहाँ पे बार बार आपको कंप्लीट सोल्व करके नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये सोल्व आपको खुद से करना है कि आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस तरह से कर दिया, ये फंक्शन ऑफ जेड था तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर हम जेड की पावर 2 है तो यहाँ पर हमें पता है कि पोल मिलेंगे, पोल मिलेंगे तो कौन कौन सा पोल मिलेगा, तो जेड का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 के बराबर लगाऊंगा। अब मैं इसके अंदर श्रीधराचार्य विधि लगाऊंगा, तो इसको 0 के बराबर लगाएंगे। तो 0 को बराबर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे, तो श्रीधराचार्य से इसके गुणनखंड करेंगे यानी कि इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो Z1 का मान इस तरह से आ गया और Z2 का मान इस तरह से आ गया, यानी कि मैंने यहाँ पर जेड का मान क्या ले लिया, Z1 और Z2, क्योंकि 2 मूल आएंगे तो Z1 और 1 को Z2 बोल दिया, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, ये दोनों इसके मूल आ चुके हैं। तो यहाँ पे 2 पोल मिले हुए हैं, 2 सिंपल पोल मिले हैं। सिंपल पोल क्यों मिले हैं, क्योंकि दोनों एक, देखो यहाँ पे जेड के अधिकतम कितने मान आएंगे, 2 आएंगे, यानी कि Z1 Z2 आ गए, Z1 Z2 हमने मान लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये भी जेड का मान है और ये भी जेड का मान है, यानी कि जेड इक्वल टू मानता, इसको भी जेड इक्वल टू मानता, लेकिन 2 अलग अलग पोल है तो 2 अलग अलग नाम दे दिया मैंने, इसको Z1 बोल दिया, इसको Z2 बोल दिया। अब यहाँ पे ये जो दोनों है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे आदेश, तो इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, तो दोनों एक एक बार आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पोल हो जाएगा, सिंपल पोल हो गया। तो अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा पोल सर्किल का यानी कि जो कंटूर है उसके अंदर होगा और कौन सा बाहर होगा, तो इसका मोड लेना है हमें, और मोड लेने के बाद देखना है कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो यहाँ पर हम मोड लेते हैं इनका, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है इस तरह से, अगर हम इसका वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो 1 की पावर 2, देखो बड़े का वर्ग ज़्यादा ही होगा यहाँ पर, तो 1 की पावर 2 ये ज़्यादा होगा बी की पावर से, फिर यहाँ पे ये 0 से, तो ये यहाँ पे इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो केवल इस इतना सा को नोट करो आप, यदि मैं इसको इस तरह पक्षांतरण करके माइनस करूँ तो ये क्या आएगा, 0 से बढ़ाएगा, यानी कि ये इसका मान क्या आ जाएगा, 0 से बढ़ाएगा। और आप इसमें देख सकते हो रूट के अंदर क्या आ रहा है, 1 की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, वास्तविक मान है। तो ये भी वास्तविक मान है, ये भी वास्तविक मान है, इनमें से कोई भी काल्पनिक मान नहीं है, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले Z2 को चेक किया है यहाँ पर, कि Z2 का मान हमारे पास यहाँ पे 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। Z1 को मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि Z1 को यदि हम चेक करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि Z1 के यदि हम मोड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी सोल्व करने को नहीं बचेगा। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे मोड 2 कर दिया हमने, यहाँ पे Z2 का मोड कर दिया, तो मोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसको यदि हम अलग अलग करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हमने माइनस को यहाँ से हटा लिया, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो मोड के अंदर दोनों सेम होता है, यानी कि माइनस का 1 ये मोड के अंदर है तो मोड के अंदर 1 ये दोनों बराबर ही होता है, यानी कि माइनस का a और ए दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने माइनस को हटा दिया यहाँ से कॉमन लेकर, अब इसको हटा दिया तो हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको अलग अलग करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/b आएगा, फिर प्लस में आएगा मोड यहाँ पे ऐसे कैसे आएगा, और यहाँ पे रूट के अंदर जो फंक्शन है वो आएगा, फिर यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से है। अब b से डिवाइड किया जाए तो a/b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से, यानी कि ये 1 से बड़ा है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसके अंदर हमने कुछ जोड़ दिया है यहाँ पे, तो फिर से बड़ी हो जाएगी, यानी कि 1 से बड़ा आएगा ये वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया 1 से बड़ा है। तो इसको चेक करना आसान था, इसलिए मैंने Z2 को पहले चेक किया। तो Z2 का मान हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये Z2 है, तो ये Z2 पॉइंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे पता कर लिया कि Z2 पॉइंट है जो कंटूर के बाहर होगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो जेड वन और जेड टू के अंदर एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप इन दोनों को गुणा करो तो वन आपको मिलेगा। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम जेड वन और जेड टू को गुणा करें, जेड वन और जेड टू को गुणा करें, क्योंकि यहाँ पे हम जेड वन के लिए डायरेक्ट हम पता नहीं कर सकते कि अंदर है या बाहर है, क्योंकि इसका मॉड लेने से हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो हमने इन दोनों को गुणा किया, जेड वन और जेड टू को गुणा किया यहाँ पर। तो जेड वन और जेड टू को गुणा किया इस तरह से, तो गुणा करने के बाद हमें पता चला कि इसका मान कितना आ रहा है, वन आ रहा है, वन आ रहा है। तो हमने इस तरह से कर लिया कि इसका मॉड कर दिया हमने, तो मॉड करने के बाद भी वन ही रहेगा, क्योंकि वन का मॉड तो वन होता है। अब मॉड के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जेड वन मॉड जेड टू का मॉड इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं यदि एक साथ मॉड आ रखा। तो यहाँ पे एक साथ मॉड आ रहा है यहाँ पे, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया और यहाँ पे कितना आ गया, वन आ गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो हमें क्या चाहिए, जेड वन के लिए चाहिए, तो जेड टू को हटाना है यहाँ से। तो जेड टू को यहाँ पे डिवाइड में खना दिया हमने, तो हमारे पास केवल इस तरह से आ गया कि जेड वन इक्वल टू वन अपॉन जेड टू को हमने नीचे खना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, इस इनइक्वेलिटी में, कि मॉड जेड टू का मान हमें एक से ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम इसको डिवाइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा और इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि इनइक्वेलिटी का चिन्ह चेंज हो जाता है जब हम इन्वर्स करते हैं। तो यहाँ पे इसका मान एक से छोटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मान हमारे पास क्या आ रहा है, एक से छोटा आ रहा है। तो जेड वन का मान, जेड वन का मोड क्या आ रहा है, एक से छोटा आ रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो जेड वन है वो तो कंटूर के अंदर होगा, कंटूर सी के अंदर है, और जेड टू है जो कंटूर सी के बाहर है। तो जेड टू का रेजिड्यू तो हमें ज्ञात नहीं होगा, तो जेड टू का रेजिड्यू तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि इसका रेजिड्यू ज्ञात नहीं कर सकते, केवल इसका रेजिड्यू हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो जेड वन का रेजिड्यू हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेजिड्यू निकाल लिया जेड वन का। तो जेड वन के लिए यहाँ पर देख सकते हो सिंपल पोल है, क्योंकि ये एक बार आ रहा है, तो ये क्या हुआ, सिंपल पोल है, सिंपल पोल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पोल वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम जेड वन का मान रखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेड वन का मान क्या है, काफ़ी जटिल सा मान है यहाँ पर। तो हमने केवल जेड वन ही लिख दिया यहाँ पर, मान हमने अभी तक पुट नहीं किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ऑफ जेड का मान रखना है यहाँ पर, तो फंक्शन ऑफ जेड का मान रख दिया हमने इस तरह से। आप देख सकते हो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड, वन माइनस जेड की पावर टू, तो वन माइनस जेड की पावर टू ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर नीचे डिवाइड में आ रहा है ये वाला फंक्शन। अब इसके मूल हमें पता है, इसके मूल क्या है, जेड वन और जेड टू। तो इसके गुणनखंड हमें डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू। और यहाँ पे देखो जेड की पावर टू के गुणांक में क्या आ रहा, जब मैंने एग्जांपल नंबर वन बताया था तब भी बताया था कि इसके गुणांक में जो भी आता है जेड की पावर टू के, वो इसके गुणा में आएगा आगे। तो यहाँ पे क्या है, बी, तो बी आगे आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये गुणनखंड मैंने यहाँ पर लिख दिया, बी जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, क्योंकि ये इसके मूल है, जेड वन जेड टू मूल है। तो जेड वन जेड टू मूल है, तो हम यहाँ पे जेड इक्वल टू जेड वन, जेड इक्वल टू जेड टू। तो यहाँ पे अब इसको माइनस करोगे तो जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, जेड माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से क्या है, इसके गुणनखंड हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि श्रीधर आचार्य विधि से हमने यहाँ पे इसके मूल ज्ञात किए। इसका मतलब ये क्या है, इसके गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो मैंने इसको गुणनखंड को इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे गुणनखंड के रूप में क्यों लिखते हैं, तो इसको इसलिए इस लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट ज्ञात करना होता है, और लिमिट के अंदर हम यहाँ पे इस पद से इस पद को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जेड माइनस जेड वन से जेड माइनस जेड वन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल इतना सा पद यहाँ पे बचेगा। अब इसकी लिमिट लेना है, तो देखो अपरिभाषित जो पद होने वाला था वो तो कैंसिल हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम जेड वन का मान रख सकते हैं। तो जेड वन का मान रखेंगे तो यहाँ पे जेड के स्थान पर जेड वन रखेंगे तो जेड वन की पावर टू, और यहाँ पे भी जेड के स्थान पर जेड वन का मान हमने यहाँ पे रख दिया, यानी कि इसका मान हमें सोल्व करना और हमें मिल जाएगा यहाँ पे रेजिड्यू जेड वन का मान। तो रेजिड्यू जेड वन का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है जेड माइनस जेड वन की पावर टू। तो ये मैं यहाँ पे ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जेड माइनस जेड वन की पावर टू ज्ञात करना है, तो जेड वन का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया और पावर टू हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम लघुतम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लघुतम भी ले लिया और पावर टू को यहाँ पे ओपन भी कर दिया, पावर टू से इसको खोल दिया। तो पावर टू का प्रसार कर दिया, प्रसार करने के बाद आप देख सकते हो हमने इस तरह से इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद हमें यहाँ पे इसका मान तो ये मिला जेड माइनस जेड वन की पावर टू, इसका मान हमें ये मिल चुका है यहाँ पर। अब नीचे आप देख सकते हो जेड वन माइनस जेड टू ज्ञात करना, तो जेड वन माइनस जेड टू ज्ञात करना, तो जेड वन माइनस जेड टू हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के बाद हमें यहाँ पे ये मिला है जेड वन माइनस जेड टू का मान। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या है, डिवाइड है और बी से गुणा है, तो
तो अब आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि ये जो मान है जेड वन माइनस जेड, ये वन माइनस जेड वन की पावर टू ये मान, और जेड वन माइनस जेड टू का मान यहाँ पे इसके अंदर रखना। इसके अंदर जैसे आप मान पुट करोगे तो आपको मिलेगा इस तरह से, तो ये आ जाएगा इसका रेजिड्यू। तो रेजिड्यू आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब रेजिड्यू मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। रेजिड्यू ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है, इसका रेजिड्यू तो आ गया। अब रेजिड्यू थ्योरम की मदद से हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इसके अंदर किस तरह का फंक्शन बनेगा, क्या हमें कॉमन में मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या आएगा, वन अपॉन आईटा तो यहाँ पे कॉमन में आ रहा था, और फंक्शन ऑफ जेड और डी जेड हमें यहाँ पे इस तरह से बन रहा था। तो इसका जो भी वैल्यू आएगी रेजिड्यू ज्ञात करना, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कंटूर सी पर। तो इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसको वन अपॉन आईटा से गुणा करेंगे, और फिर उसका क्या करना है, हमें रियल पार्ट लेना है क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट लगा हुआ है। तो रियल पार्ट लेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा। आंसर मिलने के बाद वो जो आंसर होगा वो आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो वो आंसर आएगा इस तरह से, तो ये आएगा इसका आंसर। अब इसके आगे आपको सोल्व करके देखना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम वाली चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी। रेजिड्यू ज्ञात करना, रेजिड्यू ज्ञात करना इसके लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था, तो रेजिड्यू ज्ञात करके तो मैंने आपको बता दिया। अब एग्जांपल नंबर वन की तरह इसका आगे आपको सोल्व करना है। ध्यान रखना जो कॉमन आया था, जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमेशा याद रखना, जो भी फंक्शन में कॉमन आएगा उसको तो कॉमन लेना है। अगर कॉमन नहीं लोगे तो फंक्शन ऑफ जेड के साथ में यहाँ पे आ जाएगा, और आगे सोल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कॉमन लिया तो अच्छी बात है, कॉमन नहीं लिया है तो आपको इसी के अंदर उसको इंक्लूड करना है। फंक्शन ऑफ जेड के अंदर आप उसको लेते हो तो अच्छी बात है, और नहीं लेते हो तो वो कॉमन आ जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और फिर आपको आंसर यहाँ पे आंसर निकालना, आंसर आपका जो आंसर होगा वो इस तरह से आएगा। अगर आपके नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर फाइव मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर फाइव सिक्स और सेवन के अंदर आप नोट कर सकते हो, केवल यहाँ पर अंतर है, जीरो से टू पाई है यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर फोर पाई है। तो केवल इतना ही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसको तो आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा और डी थीटा का मान रखकर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन करोगे तो इसका मान आपको जीरो मिलेगा, आप करके देख सकते हो, आपको इसका इंटीग्रेशन जीरो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो देखो टू पाई होगा तो हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पाई आ गया आप कैसे करें, पाई आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो से टू ए के अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जीरो से टू ए के अंदर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप जीरो से ए के लिए इवेलुएट करना चाहते हो तो आप इसको दुगुना कर सकते हो। तो लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है, टू ए माइनस एक्स वो एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। अगर आप इस फंक्शन को यहाँ पे ध्यान से देखते हो, यानी कि इस फंक्शन को आप ध्यान से देखते हो, तो इस फंक्शन के अंदर यदि आप टू पाई माइनस थीटा कर सकते हो, टू पाई माइनस थीटा करोगे तो सेम फंक्शन आता है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ थीटा, इसको हमने क्या ले लिया, फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ थीटा है। तो टू पाई माइनस थीटा करेंगे तो भी फंक्शन का मान सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हाफ लिमिट के लिए यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, दो गुणा कर देंगे। अगर हाफ लिमिट है तो हम यहाँ पर इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर टू यहाँ पर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। तो यदि हाफ लिमिट के लिए हमें यहाँ पे चेक करना था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वन बाई टू, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड का जो भी इंटीग्रेशन था वही आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना था, जीरो, तो वन बाई टू जीरो, तो यहाँ पे भी इसका मान क्या आ गया, जीरो, यानी कि इसका भी मान कितना आएगा हमारे पास, जीरो। ये कैसे किया ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर, क्योंकि जीरो से पाई, जीरो से पाई के लिए हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन जीरो से टू पाई के लिए हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कंसेप्ट यूज में ले लिया यहाँ पर। अभी मैं एक बार साफ कर दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर सेवन है आप यहाँ पे भी ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जीरो से फोर पाई हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो जीरो से टू पाई ज्ञात कर सकते हैं। तो जीरो से टू पाई ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो से टू पाई क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटू जीरो, क्योंकि इसके अंदर दो गुणा होगा, दो गुणा होगा, तो यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई आप दूसरा कंसेप्ट भी लगा सकते हो। ध्यान रखना जब पावर ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पावर यहाँ पे लिमिट को आधी करना है, आधी करना है तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या लिखना है, टू पाई करना, यानी कि अब यहाँ पे पाई का मान क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट आधी हो जाएगी, जीरो का मान रखेंगे, थीटा का मान जीरो रखेंगे तो लिमिट जीरो आएगी, यानी कि यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा जीरो।
अब 2 4 पाई रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2। अब यहाँ पे कोस थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, थीटा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 2 पाई हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 cos 2 pi। और यहाँ पे डी थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2d pi हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 थीटा है, तो 2 थीटा को हम क्या कर सकते हैं, थीटा में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट कर देंगे, हम यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड की पावर 2 करेंगे और ये मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये पुट करके हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अभी हमें हमारा क्या होगा, इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं और इसकी मदद से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 को हम 2 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 मेथड बताए, एक तो सब्स्टिट्यूट करके हम सोल्व कर सकते हैं और एक ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके। लेकिन ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसके अंदर केवल आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, इस तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप इस यदि पावर आप सोचते हो कि लिमिट को डबल कर देंगे हम, तो डबल करोगे तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और हाफ थीटा को आप इवेलुएट नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 तक, हमने इसको किस तरह से सोल्व करना है ये मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप अपनी क्लास के साथ इसको। और ये मेरे 2 अकाउंट हैं इंस्टाग्राम के, ये और ये, इन दोनों अकाउंट में आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखना है, अगर ये जितने भी एग्जांपल नंबर तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताया, इसलिए वो तो आपको अच्छे से आया होगा। एग्जांपल नंबर 2 से लेकर एग्जांपल नंबर 6 और ये अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो, या आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि किस तरह से सोल्व करना है, तो एक बार खुद से सोल्व करके देखना, फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा या आपको सोल्व करके व्हाट्सअप कर दूंगा। धन्यवाद।